एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है महात्मा गांधी अध्याय 46। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिचय, महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, गांधी का उदय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति के बारे में, महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में, रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, मुस्लिम लीग की स्थापना, इन सभी टॉपिक को जो है हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी के परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद्र गांधी है। पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। तो पूरा नाम महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। इनका जन्म स्थान जो है गुजरात के पोरबंदर में। इन्होंने कहां पर जन्म लिया था? गुजरात के पोरबंदर में। विवाह कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में हुआ। इनके चार पुत्र थे, नाम है हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी के द्वारा यह नाम दिया गया था, और इनका जो वास्तविक नाम है मैडलिन एस्लेट था। याद रखिएगा, कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड 1888 में मुंबई से गए। कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त किया था? तो 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में नट्टाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में मिला, और कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार ये शामिल कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो डरबन, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन है, यहां पर इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया, और जेल में जीवन का प्रथम अनुभव जो है 1908 ईस्वी में इन्होंने प्राप्त किया। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कर्नाटक के बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्षों तक रही? तो 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 वर्ष तक जो है एक्टिव रहे। आत्मकथा इनका जो है नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 ईस्वी में ये जो है प्रकाशित हुआ। और महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा, याद रखिएगा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। और महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें जो हैं, याद रखिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, इसके बाद गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का इसमें विरोध किया गया है, इसके बाद सुनो विद्यार्थियों, तो ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और महात्मा गांधी की जो प्रमुख समाचार पत्र है द ग्रीन पैम्पलेट, ये कब प्रकाशित हुआ? तो 14 अगस्त 1896 में राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से, और यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में जो है प्रकाशित हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी की जो प्रमुख उपाधियां हैं देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसर ए हिंद की उपाधि कब मिला? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला। भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय ही दिया गया। भंगी शिरोमणि की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जो है इन्हें प्राप्त हुआ।
और कुली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया। कर्मवीर की जो उपाधि है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा दिया गया और सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा इन्हें उपाधि जो है प्रदान की गई थी। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये उपाधि दी थी, इन्होंने ये जो है बात कही थी। और मलंग बाबा की उपाधि कबायलियों के द्वारा दिया गया था और बापू की उपाधि सी एफ एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। देशद्रोही फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दिया था और भिखारियों का राजा की उपाधि जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अर्धनग्न फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दिया। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इसके बाद गांधी का जो है उदय, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष के इस नए दौर के महान नेता थे। भारतीय जो राजनीति है उनमें उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्षों तक जो है नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए और किसके लिए गए, तो आपको मालूम है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए। उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण जो कि बिहार में चंपारण में की, जहां ये गरीब किसानों को निलहों यानी जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़े। तो जो चंपारण सत्याग्रह है आपको मालूम है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए महात्मा गांधी के जो प्रमुख आश्रम है, जैसे फिनिक्स आश्रम, जो फिनिक्स फार्म है ये कहां पर है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। इसकी स्थापना 1904 में हुआ। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में और 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में। और अनाशक्ति आश्रम की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में कौसानी, जो कि उत्तराखंड में है। और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा में 1936 ईस्वी में किया गया था। देखिए बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी जो है चंपारण पहुंचते हैं। वहां के किसान अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती कह सकते हैं नील उत्पादन कराने के लिए शुरू किए गए 3 कठिया प्रथा, कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए बाध्य करना, ठीक है, इसके लिए ये त्रस्त थे। मतलब कि जबरदस्ती किया जाता था, 3 कठिया प्रथा इन पर थोपा गया था। वहां उन्होंने चंपारण छोड़ो जाने का जो है आदेश दिया, चंपारण छोड़ जाने का आदेश दे दिया, परंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। तो वहां जो है उनको मतलब ये धमकी मिली कि आप चंपारण को छोड़कर चले जाइए, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कतई नहीं किया, उन्होंने वहां से जाना जो है मना कर दिया। उन्होंने निलहों के अत्याचारों की जांच के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन की वृद्धि के लिए मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की जो है मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के पश्चात महात्मा गांधी जो है भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता हो गए, मतलब विख्यात नेता हो गए, लोकप्रिय नेता हो गए। गांधी जी ने जनता में निर्भयता की भावना पैदा की तथा जेल लाठी और गोली सहित सभी प्रकार के दमन को सहने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत कर दी। उनके नेतृत्व में लोगों ने कानूनों की जो है खुलेआम अवहेलना की और कचहरियों एवं दफ्तरों का बहिष्कार किया। लोगों ने करों की अदायगी नहीं की, कर नहीं दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, कारोबार नष्ट कर दिया तथा विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरना दिया।
गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में जो है योगदान दिया। उन्होंने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय अपमान का निकृष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उच्च जातियों के लोग उन्हें अछूत समझते थे। यह गांधी जी का एक महान योगदान है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए जो है संघर्ष किया। उनके लिए तथाकथित अछूत हरिजन थे, ठीक है, याद रखिएगा हरिजन। उनके आश्रमों में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे अनेक ऐसे काम करते थे जिन्हें उच्च जाति के हिंदू अछूतों का काम समझते थे। गांधी जी ने गांवों के लोगों की हालत सुधारने के भी प्रयत्न किए। उनका मत था कि जब तक गांव में रहने वाली लगभग मतलब कि 80% 80% जनता के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता है। तो गांवों के स्तर पर जो इन्होंने सुधार शुरू किया। उन्होंने गांवों में छोटे उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए तथा खादी का प्रचार किया ताकि वे आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त इकाई बन सके। प्रत्येक कांग्रेसी के लिए खादी पहनना जो है अनिवार्य हो गया। चरखा ग्राम उद्योग के महत्व का प्रतीक बन गया, जिसके पश्चात चरखा कांग्रेस के झंडे का जो है अंग बना। गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया। किसका? विश्व बंधुत्व का, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश नीति है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश नीति है, भारतीय नेताओं का विश्वास था कि विश्व युद्ध के समाप्ति पर जो है भारत को स्वराज्य मिल जाएगा। तो विश्व युद्ध की समाप्ति तो हो गया, बट भारत को स्वराज्य नहीं मिला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के दो सदन, विधान परिषद और राज्यसभा बनाए गए। इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, परंतु इन दोनों केंद्रीय सदनों के अधिकारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो मंत्री की तरह रहते थे, विधानमंडल के प्रति ये उत्तरदायी नहीं थे। तो मंत्रियों की तरह थे लेकिन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। प्रांतों में चलाई गई दोहरी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे कुछ विभाग ऐसे मंत्रियों को सौंपे गए जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। वित्त और पुलिस जैसे ज्यादा महत्व के विभाग गवर्नर के नियंत्रण में रहे। मंत्री तथा गवर्नर जनरल प्रांत के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। सभी महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद के पास थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारतीय जनता के प्रति। तो भारतीय जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं थे। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने स्वराज प्राप्ति की जो है उम्मीद की थी। यह जो उम्मीद है मतलब कि निराशा में बदल गई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है लोगों को स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। उम्मीद जो है ये निराशा में बदल गया। संपूर्ण देश में व्यापक असंतोष फैल गया, जिसके दमन के लिए सरकार ने नए तरीके अपनाए। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह देख लेते हैं। तो पहला जो इनका सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 ईस्वी में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध, यानी तीन कठिया जो था नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में ये प्रथम भूख हड़ताल था इस आंदोलन के दौरान। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। यहां से या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की इसमें अभिव्यक्ति हुई, यानी ये प्रथम कह सकते हैं जन आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च 1930 में, ये नमक सत्याग्रह था। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उपनाम क्या है तो दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, नारा क्या था, करो या मरो। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में,
भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। रॉलेक्ट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस समिति के गठन के उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किसी या किस स्तर तक जो है फैले हुए हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की जो है आवश्यकता है। रॉलेक्ट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि जो है समाप्त होने वाली थी। तो भारत रक्षा कानून की अवधि जो था पीरियड जो था वो जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाली थी, इसलिए जो है तर्क है कि रॉलेक्ट एक्ट लागू करने का जो है ये मुख्य कारण था। समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। समिति के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में दो विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को तो जो है वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम जिसे रॉलेक्ट एक्ट कहा जाता है इसको 18 मार्च 1919 को जो है पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा इस अवधि को जो इसकी अवधि है 3 वर्ष रखी गई थी और इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से रखा मतलब कि जाना जाता है और इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। इसके बाद अगर देखिए बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख जो घटनाएं हैं 1879 से 1947 तक की, तो यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए मैप को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं ताकि आप पूरी मैप को एक साथ अवलोकन कर सकें। तो देखिए यहां पे जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। यहां पे जो है दिल्ली में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का जो परिवर्तन हुआ 1912 में हुआ। तो याद रखिएगा कलकत्ता से दिल्ली की जो राजधानी का परिवर्तन हुआ था 1912 में। मेरठ में क्या हुआ कम्युनिस्ट षड्यंत्र मुकदमा 1929-1923 में। और यहां पे जो है चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का 1922 में स्थगन हुआ। यहां पे जो है आपका जो है चंपारण निलोह के विरुद्ध जो है अभियान 1917 में जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बिहार बिहार है पश्चिमी बिहार इधर है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। भारत ये जो है आपका ये वाला जो एरिया है ये वाला भारतीय भूमि पर इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा झंडा फहराया जाना 1913 बर्मा, ठीक है 1913 ये बर्मा है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि नोआखली व टिम्पेरा में गांधी जी द्वारा सौहार्द्र स्थापना के लिए यात्रा 1946-47 में हुआ। और महाराष्ट्र में यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव का संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसार हुआ 1896 में। यह आपका पश्चिमी गोदावरी गुंटूर, ये है गुलबर्गा 1924, धारवाड़ सतारा, ये है रायगढ़। यहाँ पे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है 1879 में वसुदेव बलवंत फड़के के विद्रोह को जो है निष्फल कर दिया गया और 1873 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति महोत्सव मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग, यहाँ पे जो है इन्होंने ये जो है अपना भूमिका निभाया इस रूप में। और ये आप देख सकते हैं बंबई में 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद अहमदाबाद से डांडी नमक यात्रा, ठीक है। इसके बाद जो ये आपका सिंध है, बंबई से सिंध को अलग करने के लिए मुस्लिम आंदोलन हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। यहाँ पे खेड़ा जो है कर निषेध अभियान चलाया गया। इसके बाद ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है 1925। यहाँ पे जो है ये जो है केंद्रीय भारत, ये जो है यहाँ पे ये झंडा सत्याग्रह है, ये है आपका कोरापुट, ठीक है। तो इस तरह से पीडीएफ ले लीजिए या आपके पास अगर बुक है तो एक बार मैप को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। देखिए जो जी है ना, जी से जो इंडिकेट किया गया है ये सभी जो इंडिकेटर हैं ये क्या चीज को इंडिकेट करते हैं, तो महात्मा गांधी से संबंधित ये स्थल है, ठीक है याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रमुख घटनाएं हैं 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना, 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित हुआ, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता से
राजधानी जो है दिल्ली चला गया। इसके बाद 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान हुआ। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है समझौते की शर्तों को तय, और 1946 में कैबिनेट मिशन जो है असफल हो गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता, तो समय याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मुहम्मद अली जीना ने अपने इस्तीफे में कहा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को जो है स्वीकार करती है, वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का जो अधिकार है वो खो बैठती है, यानी वो सभ्य सरकार नहीं रह जाता है। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे, अब उन्होंने देशव्यापी विरोध करने को जो है कहा। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 का जो दिन है, ये किस रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस। देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। सारे देश में व्यापार की नीति धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया। कई जगहों पर लाठी एवं गोलियों का जो है सहारा लिया गया। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 10 अप्रैल 1919 को। दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के लिए ये आंदोलन जो है बुलाया जाता है। ये जन आंदोलन जो है इकट्ठा होता है, मीटिंग होता है 13 अप्रैल 1919 में। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, किसके? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक जनसभा होता है, और ये जनसभा एकत्रित होती है वहां पर। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित छोटा सा पार्क है, जो तीन ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और केवल एक छोटी गली से पार्क में जाने का रास्ता है। यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वाले लोगों की संख्या मात्र 379 बताई गई है, ठीक है, जो कि इससे कहीं ज्यादा थी। दीन बंधु एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जो है जानबूझकर की गई हत्या कहा। डायर ने शान के साथ कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कार्यवाही की गई थी। इसे घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं था। ये जो जनरल डायर था, उसे घृणित कार्य को करने का कोई पछतावा नहीं था। वो इंग्लैंड चला गया, जहां कुछ अंग्रेजों ने जो है उसका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्र किए। देखिए, एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ। हंटर कमीशन, याद रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित हुआ? हंटर कमीशन का गठन हुआ। यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। गांधी जी ने इस कमीशन के रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, बदरुद्दीन तैयब जी और एम आर जयकर आदि शामिल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का रोष बढ़ गया, जिसमें सरकार के दमन में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोगों को जो है, याद रखिएगा, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया। अखबार बंद कर दिए गए तथा उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया और या निर्वासित कर दिया गया। दमन का ऐसा भयंकर दौर चला जैसे 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है कुचल देने के पश्चात चलाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।
यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के फलस्वरूप, याद रखिएगा। और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का जो है अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर को जो है मतलब कि हत्या कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो माइकल जो याद रखिएगा, जो माइकल ओडायर था, इसकी हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमन द्वीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, तुर्की के सुल्तान को खलीफा यानी मुस्लिमों का सर्वोच्च धार्मिक नेता का पद जो है मतलब कि प्राप्त था। ब्रिटेन के द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन को चलाने के लिए एक खिलाफत कमेटी की गठन हुई, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस जो है मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, याद रखिएगा। और इस आंदोलन का विरोध सीआरदास ने किया, उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। इसके बाद अबुल कलाम आजाद ने, किसने? अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, तो उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो जाने के कारण यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। 1920 में याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की गई। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता के द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। इन साधनों के द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है पारित हुआ। और इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों, जो मतलब के स्टूडेंट थे, तो विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं का जो है बहिष्कार किया गया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज प्राप्त करना। इसका प्रारंभ ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई सर जैसी पदवियों को त्यागने के साथ हुआ। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दी। और इसके बाद विधान परिषदों का बहिष्कार प्रारंभ हुआ। जब परिषद के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थी और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ की जैसी नई शिक्षण संस्थाएं जो है स्थापित की। और लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सारे देश में सार्वजनिक हड़तालें हुई। 1921 ईस्वी का वर्ष समाप्त होने मतलब होने के पहले ही जो 1921 ईस्वी का जो वर्ष था वर्ष यर्ष यर्ष जो था ये समाप्त होने के पहले ही 30,000 लोग जो है जेलों में बंद कर दिए गए। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह जो है भड़क उठा। अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे, इसीलिए इसे मोपला विद्रोह कहा गया। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह, याद रखिएगा।
विद्रोह को बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए और करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। तो जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खां। अधिवेशन ने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब असहयोग आंदोलन का जो है अंतिम दौर आरंभ हुआ, असहयोग आंदोलन का। इसके बाद चौरी चौरा जो कांड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी जी के द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी के समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप जो है पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। चौरी चौरा घटना से गांधी जी इतने आहत हुए, इन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो है प्रस्ताव पारित कराया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध, पंचायतें संगठित करना सम्मिलित आदि थे। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 18 मार्च 1922 को जो है अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में जो है मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष कैद की जो है सजा सुनाई गई, परंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी के 6 वर्ष पूरे होने के पहले जो है रिहा कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोमंडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस सभा में नवाब सलीमुल्ला, मोहसिन उल मुल्क आगा खां तथा नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। याद रखिएगा, सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क के द्वारा की गई। 1908 में आगा खां को जो है मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया। इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई एवं उसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था ढाका में, दूसरा अधिवेशन 1907 में हुआ कराची में, और तीसरा अधिवेशन 1908 में हुआ अमृतसर में। मुस्लिम लीग के अमृतसर जो अधिवेशन है, मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की जो है मांग की गई, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को जो है स्वीकार कर लिया गया। यहाँ द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी का बीज जो है बो दिया गया। 1912-13 ईस्वी में मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नई बात देखी गई। इस लीग में यंग पार्टी के कुछ सदस्य यथा मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद का उदय हुआ। देखिए, इन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस की नीतियों के निकट ला दिया। इन्हीं के प्रभाव में वर्ष 1913 के लखनऊ अधिवेशन में लीग ने जो है स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया। अब लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से लखनऊ में उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की जो है संयुक्त बैठक हुई। जो लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजमूदार ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो आगे के वर्षों में कांग्रेस की एक भूल सिद्ध हुई। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य है वो क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। सेकेंड प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस दौरान?
गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और थर्ड नंबर है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फोर्थ नंबर है, याद रखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसे भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड। ठीक है, इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को मतलब कि हिमालय जैसी बहुत बड़ी भूल बताई। दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। सेवन नंबर है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो बिहार के नील उत्पादक किसानों से। प्रश्न संख्या एट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? तो उपाधि था कैसर ए हिंद का। कैसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टाइम पीरियड होगा 1923 से 1939 के बीच। और देखिए, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ या बुक नहीं लिया है, बुक मार्केट से ले लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।